उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी समेत 11 जिलों की 51 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में 7 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश सिद्धार्थनगर में 3, बस्ती में 2 और संत कबीर नगर में 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मिशन उत्तर प्रदेश में जुटी मायावती आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। देवरी और महाराजगंज में लोगों से हाथी परी मोहर लगाने की अपील भी करेंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बलरामपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। इस बार कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी है, लिहाजा इस बार राहुल और कांग्रेस दोनों की साख दांव पर है। ये साफ है कि अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो फिर से राहुल की सियासी काबिलियत पर सवाल उठेंगे। बलरामपुर पहुंचने पर राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की सरकार अमीरों का कर्ज माफ कर रही है, गरीबों पर ध्यान नहीं दे रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सिकंदरपुर के चेतन किशोर मैदान में प्रत्याशी संजय यादव के लिए जनसभा करने पहुंचे। शाह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कमल का बटन बीजेपी को जिताने के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए दबाना जरूरी है। राहुल पर शीला दीक्षित के बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेन प्रसाद सामने आए और साफ किया कि राहुल गांधी पूर्ण रूप से परिपक्व हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जितेन की माने तो मीडिया शीला के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बीजेपी सांसद आदित्यनाथ सुल्तानपुर विधानसभा प्रत्याशी सूर्यभान सिंह के समर्थन में वोट मांगे और जनसभा को संबोधित करने सुल्तानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो व्यापारियों, नौजवानों, गरीबों को पलायन के लिए मजबूर करेगा, उसकी खैर नहीं होगी।